ये देख रहे हैं में दो भटूरे हैं इनके, इस तरह कितने बड़े बड़े, बड़ा भी है और हैवी भी है दोस्तों। 25 का प्लेट गोटे देते हैं ये भटूरा खाने के लिए। चलिए दोस्तों भटूरा और छोला खा के देखते हैं किस प्रकार स्वाद है। बहुत मुलायम है इसे, पूरा जैसा देख रहे हैं कि मोटे फूट जा रहा है। जैसा देख रहे हैं दोस्तों कि मनीष जी जो है यहाँ पर अपना छोला भटूरा बेच रहा है, बिहार से आके यहाँ पर शांतपुर मतलब चौराहे के पास ही जो है अपना दुकान लगा रहे हैं, इसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। और मतलब कि ऐसे पटरियों पर लोग रख के मतलब लोग अपना सामान वामान बेचते हैं और फिर मतलब जो है कि छोला भटूरा बेचते हैं, कहीं समोसा बेचते हैं, कहीं पकौड़ी बेचते हैं, चाट बेचते हैं। इन लोग का जीवन बहुत ही कठिन होता है, खासतौर से मतलब ये होता है कि कैसे चलाएँ कैसे न चलाएँ, और किराए पर आकर मतलब यहाँ अपना रोजगार करते हैं। तो इन लोग की सहायता करना चाहिए और जो है लोग का ध्यान में रखना चाहिए, और जो है कि जो भी बढ़िया जो भटूरा बनाते हैं बहुत बढ़िया बनाते हैं और अच्छा ही बनाते हैं। जैसा कि देख रहे हैं इनका भटूरा तुरंत फूल भी जाता है, और कहते हैं कोई चीज़ नहीं डालते, बस सोडा वोडा ही डालते कुछ नहीं होगा, लेकिन आप लोग का बहुत जल्दी फूल जाता है। ये जो तेल प्रयोग करते हो किसका प्रयोग करते हो तुम लोग, तेल किसका प्रयोग करते हो, किस कंपनी गोल्ड है? एची गोल्ड। आगे क्या है, ये मैदा है? मैदा, मैदा का बनाते हो? क्या नाम है आपका? मनीष। मनीष मतलब जो जो तेल प्रयोग करते हो बढ़िया प्रयोग करते हो ना? बढ़िया। अच्छा, ये जो है कि मैदे का बना हुआ है, इसमें कुछ और डालते हो कि बस इसी तरह बस मैदे हैं? उनका फूल जाता है सबसे बड़ी बात। कुछ मैन डालते हो, कैसे डालते हो? कुछ नहीं डालते। कुछ नहीं, बड़े बनाने का तरीका है? बनाने का तरीका। क्या निकालो, कैसे प्लेट दे रहे हो? 25 का डबल है। अच्छा, दो भटूरा छोला चार प्याज। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भैया जो है क्या नाम, मनीष बताया था ना? मनीष। तो मनीष जी कहाँ पर, कौन सा जगह है ये? कलेक्टिव फार्म चांदपुर। अच्छा, कलेक्टिव फार्म चांदपुर। लेकिन आप लोग का बड़ा हाथ ऐसा है कि आप लोग फूल जाता है तुरंत एक मिनट के अंदर। हाँ। देख रहे हैं कितना अच्छा फर्स्ट क्लास का मतलब जो है कि भटूरा फूल गया है मनीष जी का, जो कलेक्टिव फार्म के पास लगाते हैं चांदपुर के पास। और क्या क्या मतलब बनाते हैं आप लोग? भटूरे, छोले, चावल। हाँ, दिखाइए चावल। देखो ये अचार है। अचार, ये प्याज है। तो ये जो राइस चावल नहीं है? नहीं, छोले चावल। छोले चावल, इसको बेहतर बनाने के राइस चावल पे बनाना चाहिए। हाँ, इसे देखने में अच्छा लगता है। हाँ, तुम्हारा क्या नाम बेटा? सचिन। क्या कर रहे? सचिन सुचित। अच्छा, तो भैया लगते हैं। कौन है वो? तुम छोटे भाई हो? कहाँ के रहने वाले हो? बिहार मुजफ्फरपुर से। तो बिहार मुजफ्फरपुर से चांदपुर में लगाने आ गए हो, वहाँ जगह नहीं था क्या? नहीं। घर में है भैया, अभी खालिए रहे। छोला छोला किस चीज़ का बनाया है आपने? काबली चना। काबली चना है। अच्छा, एक काबली चना का जो है कि छोला कैसे बनाते हैं? उबाल का, उबाल का। उबाल बनाते हैं। और इसमें क्या क्या डालते हैं आप लोग? सोडा है और उबाल देते हैं, उसके बाद कड़ी भूज के बना के डाल देते हैं। समय क्या है आपका? 6 बजे सुबह। सुबह कब बजे तक? सुबह 6 बजे से 4 बजे। 4 बजे तक? 4 बजे। तो जब मतलब बिहार से आप आए तो बिहार में कहाँ रहते थे? बिहार में पहले हम नौकरी करते थे। अच्छा, किसी नौकरी करते करते फिर सीख लिए। नौकरी करते करते सीख लिए। अच्छा अच्छा, तो नौकरी कहाँ, इसी फूड में करते थे? वहाँ कानपुर करते थे। अच्छा, क्या ये छोला भटूरा में? हाँ, छोले भटूरे। अच्छा, तो कानपुर से फिर मतलब बिहार में रहते कहाँ हो ये बताओ? बिहार में मुजफ्फरपुर। ये गाँव है? गाँव है। ये कस्बा है? गाँव है सिवर। अच्छा अच्छा, तो
घर पर कौन कौन आप लोग की है? मम्मी पापा है। तो यहाँ पर मतलब किराए के मकान पर रहते हैं? हाँ किराए। कब से दुकान लगा रहे हो? ये हो गया 2 साल। 2 साल। कैसा है रिस्पांस? चांदपुर में जो मार्केट है तो यहाँ कैसा रिस्पांस है? क्या कैसा रिस्पांस है ये मतलब? तो कैसा बिक्री भी कैसा है? बिक्री सही है। अच्छा सही है ना। कहाँ रहते हैं? यहाँ पे रिलायंस हॉस्पिटल के अंदर। अच्छा अच्छा रिलायंस हॉस्पिटल के अंदर। आज चावल कैसे प्लेट देते हो तुम लोग? चावल 25 का है फुल। 25 का देते हो? अच्छा मतलब फुल हाफ रखते हो कि 25 का देते हो? फुल हाफ दोनों है, 15 का हाफ है, 25 का फुल है। चावल में भी चावल। तो कब तक रात को लगाते हो? बस रात तक ले नहीं, 5 बजे तक। 5 बजे तक खत्म काम। मनुष्य की दुकान पर छोला भटूरा खाते हैं और उस स्वाद का आनंद लेते हैं दोस्तों। हाँ भैया कैसा रहा स्वाद? बढ़िया था? चलिए भटूरा आपको भी निकालिए, गरम गरम रोटी खिलाइए सब साथ का। मनीष जी आप सजा वजा बढ़िया से दे दीजिएगा, देखने में अच्छा लगे। देखिए मनीष जी भटूरा बनाने जा रहे हैं। अच्छा इसको रात को मतलब साइड मतलब रखते हैं? सुबह सुबह ही जब दुकान लाते हैं ना जब मार के लाते हैं इसको है? जब दुकान लगाते हैं ना जब मारते हैं इसको। अच्छा अच्छा मैदा को। अच्छा पानी डाल के मैदा डाल के। अच्छा इसको क्या करते हैं? मारते हैं? मतलब बार बार सानते हैं मतलब ये मुलायम हो जाता है। पहले अच्छा लगा के दीजिए उसके बाद फिर अगला स्वाद देंगे। बस एक मिनट एक मिनट। तो ये मनीष जी का जो है भटूरा है और छोला है जैसा कि देखते हैं। चलिए इसका स्वाद लेते हैं और खाते हैं, देखते हैं कैसा स्वाद है इसका छोले और भटूरे का। चलिए दोस्तों भटूरा और छोला खा के देखते हैं किस प्रकार का स्वाद है। बहुत मुलायम है इसे भटूरा जैसा, देख रहे हैं कि मोटे टूट जा रहा है। जैसा कि छोला भी देख रहे हैं काफ़ी गाढ़ा है, मस्त छोला एकदम दोस्तों। चलिए खा के देखते भी हैं, स्वाद भी लेते हैं इसका। और ये चटनी है, कई तरह की चटनी बनी हुई है, यह प्याज और ये भटूरे। चलिए खा के स्वाद लेते हैं दोस्तों किस प्रकार स्वाद है। आज मैं खासकर चांदपुर आया हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं, और मरीज का जो है छोला भटूरा खा के देखते हैं कैसा स्वाद है। दोस्तों भटूरा दोनों मस्त है, तीखा भी है, बढ़िया भी है, बढ़िया बनाया मनीष जी, और खाने में भी मज़ेदार है और खाने में मस्त हो गया और दिल बाग बाग हो गया, खाने का स्वाद बहुत बढ़िया इसका है। थोड़ा थोड़ा तीखा है तो खाने में बहुत बढ़िया है और स्वाद बहुत बढ़िया है दोस्तों। इनका स्वाद जो है छोले का भटूरे का बहुत बढ़िया है। खाने में मजा गया दोस्तों, लाजवाब था दोस्तों। जो है देख रहे हैं दोस्तों कितना मुलायम और कितना सॉफ्ट है भटूरा इनका और मस्त है, ऐसे देख रहे हैं। बड़ा भी है और हैवी भी है दोस्तों, 25 का प्लेट गोटे देते हैं ये भटूरा खाने के लिए। हमें 2 भटूरे हैं इनके इस तरह कितने बड़े बड़े।
भैया बढ़िया है ना खाना, जो दूसरा बड़ा बढ़िया है ना, बढ़िया दे रहे हैं ना। मनीष जी का छोला भटूरा खाकर तो मज़ा आ गया दोस्तों। इनका छोला भटूरा बहुत ही लाजवाब था। इस वीडियो के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।